जहाँ से खड़े होते हैं ना लाइन वहीं से भी शुरू होते हैं दोस्तों। तो हाँ, आपने इस डायलॉग से सुन के आपके नज़र यानी आपके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा आता है, वह हमारे महानायक सर अमिताभ बच्चन। तो इसी से रिकॉर्डिंग और राधे श्याम की जो मतलब कि जो न्यूज़ निकल के आ रही है ना, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को, अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है ना उसे क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे अगर जो भी अपडेट्स आती है मूवीज़ की और मैं मूवीज़ की रिव्यू जो करता हूँ उसको पाने के लिए आपको मतलब कि सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो अब बात करने वाले जिस मूवी के अपडेट के बारे में, तो वो है स्टारर में हमारे प्रभास सर पूजा हेगड़े की मच अवेटेड और मोस्ट एंटिसिपेटेड और मोस्ट पोस्ट पोन्ड मूवी यानी राधे श्याम, जिसकी डेट ना तारीख ब तारीख मतलब ना वो तो जैसे कि तारीख बाई तारीख आ रही थी ना हमारे सर, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है सर, कह के गए थे उस टाइप की मूवी के तारीख पे तारीख पे पोस्टपोन होती रही। तो इसी मूवी से रिगार्डिंग जो अपडेट्स निकल के आ रही है कि प्रभास सर के, आप लोगों को पता होगा जैसे साहू मूवी थी उस पर उन्होंने खुद की वॉइस दी थी जो कहीं भी जैसे नहीं रहती, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फिल्म को देखा था, तो मुझे ये लगता था कि वो कहीं ना कहीं मतलब ना लिपसिंग टाइप से वो नहीं, मतलब वो मुझे स्लो लगती थी कहीं ना कहीं, उनकी आवाज़ मुझे मैच नहीं करती थी, वॉइस ओवर उसको शायद सूट ज़्यादा करता उनके जो पहले डब किया था। पर फिलहाल ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रभास सर की जो वॉइस ओवर कर रहे हैं वो है अमिताभ बच्चन, और फाइनली इससे मतलब कि जो उसकी डबिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें राधे श्याम में प्रभास सर की जो मतलब कि आवाज़ है ना उसे वॉइस ओवर करते हुए आएंगे नज़र अमिताभ बच्चन सर, हमारे जो महानायक। तो आपको आप ये न्यूज़ सुन के क्या लग रहा है, फिल्म की ना एक तरफ जो हाइप मची थी उसके बाद में जो एड ऑन किया गया फिल्म मेकर्स के तौर पे, और ये सही नहीं है उनके साथ में, फिल्म काफ़ी अच्छी जचेगी उनकी जो मतलब कि हम लोग के पास इमेज है ना बाहुबली की, उसके बाद में वो भारी आवाज़ काफ़ी अच्छी जचेगी, ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये न्यूज़ सुन के, और आप लोगों को भी लगेगा। आप लोगों को क्या लगता है इस न्यूज़ से कि वो आवाज़ उसके साथ में शूट होगी प्रभास सर के साथ में कि नहीं होगी हमारी महानायक सर, तो इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपकी फीलिंग्स होगी उससे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। और मैं एक बात और कहूंगा जाते जाते, पावर ऑफ ट्रूथ यानी द कश्मीर फाइल्स को भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों, मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, उस मूवी की जैसी जो मूवी की ट्रेलर निकल के आई ना आप जरूर देखिएगा उस मूवी को, और साथ ही साथ इसको भी देखिएगा। मैं किसी मूवी को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उस मूवी को नहीं देखिएगा, मैं पर्सनल ये चाहता हूँ कि उस मूवी को आप एक बार जरूर देखें, उस फेस को आप जरूर एक्सपीरियंस करें जिसको मतलब 90s में हुआ था। तो जो भी अपडेट्स आएगी अपकमिंग वो मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा दोस्तों, अपने मेरे दोस्तों चैनल पे, बाय बाय, धन्यवाद।